मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। देखिए IVTV की मौजूदगी इस वक्त गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में है। आपको बता दें कि यहाँ पर टेड फेयर का मेला लगाया गया है। ये मेला जो है 2 दिसंबर से 11 दिसंबर यानी कि आज जो है इसका आखिरी दिन है। और ऐसे में हम पहुंचे हैं रियल ग्रीन हाउस के पास क्योंकि इनका भी स्टॉल इस ज्ञान भवन में मौजूद है, इस मेले में मौजूद है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ स्टॉल लगाने का मकसद क्या है। इससे पहले आपको बता दें कि रियल ग्रीन हाउस वो प्रोजेक्ट है जो लोगों को सपनों का घर देता है। बिहार में इसके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ऐसे में देखिए कि हम ज्ञान भवन पहुंचे, मकसद क्या है यहाँ पर स्टॉल लगाने का? मेरा 2 प्रोजेक्ट आया है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल का, उसी को हम लोग प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि लोग देखें कि हम लोग बना रहे हैं पटना में सपनों का घर दे रहे हैं। इसलिए एक देखिए, जब भी हम घर की बात करते हैं ना तो दिमाग में अपार्टमेंट खासकर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसे बिल्डर्स जो होते हैं तो एकदम से दिमाग में आता है कि ये हाई क्लास वालों के लिए है, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास एफोर्ड नहीं कर सकता। तो किस तरह के प्रोजेक्ट हैं, क्या लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इसको एफोर्ड कर सकता है? सब लोगों के लिए है। मेरे यहाँ 800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, 2400 स्क्वायर फीट तक का फ्लैट है, तो मिडिल क्लास वाले और हाई क्लास वाले सब लोगों के लिए फ्लैट है। कैसा रिस्पॉन्स रहा भैया? बहुत बढ़िया, बढ़िया, अच्छा रहा जी। जी बहुत लोग का इंक्वायरी भी आया है जो यहाँ पे आके, कुछ लोगों ने मेरा साइट भी जाके देखा अभी रिसेंटली, मतलब जो वहाँ साइट पे भी गए लोग कॉमर्शियल के लिए भी और ये रेसिडेंशियल के लिए। और मेरे यहाँ 4 BHK का ज़्यादा ये है, जैसे जी 4 BHK का डिमांड ज़्यादा है क्योंकि हम लोग 4 BHK में सर्विंट रूम के साथ दे रहे हैं तो उसका डिमांड ज़्यादा है। एक बात ये बताइए कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट फिलहाल पटना में चल रहा है कमर्शियल? इससे पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी तो यहाँ हाउस के साथ साथ आवास के साथ साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट भी रियल ग्रीन का चल रहा है। ऐसे में फिलहाल कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिस पर लोग आप तक संपर्क कर सकते हैं अगर उनको घर लेना है? एक तो मेरा कॉमर्शियल जो अभी 2 दिसंबर को मतलब भूमि पूजन हुआ है जो कि बेली रोड में है, बिसाइड महाराजा गार्डन जो बैंकवेट हॉल है उसके बगल में, वो 2026 तक उसका कंप्लीट करने का है, वो फुल्ली कॉमर्शियल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और मेरा रेसिडेंशियल जो है वो गोला रोड में है, वो मतलब एम्स टू दीघा जाने के लिए जो रोड है उस पे 242 नंबर पिलर के पास। फैसिलिटी क्या होगी, डिफरेंट क्यों है रियल ग्रीन हाउस? सब कहते हैं कि ये डिफरेंट है, क्या डिफरेंट दे रहे हैं आप लोगों को अगर आप घर बनाते हैं, सपनों का घर देते हैं तो, और जगह से यहाँ पर क्या आपको अलग मिलने वाला है? मैम मेरे यहाँ क्या है कि जैसे एक तो होता है कि जैसे पटना में बहुत सारे बिल्डर हैं तो एक मेरे यहाँ वो नहीं होता है कि टाइम पे आपको बोले कि 2024 में देंगे तो 2026 हो गया, 27 हो गया, ऐसा नहीं होता। मेरे यहाँ जो आपको बोला जाता है वो आपको टाइम से हैंडओवर होगा, पहला चीज़ वो हुआ। दूसरा हुआ कि कंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्वालिटी के साथ होगा, इसका गारंटी रहता है। मेरे यहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने 3-4 प्रोजेक्ट हैंडओवर कर चुका हूँ तो वो टाइम से और क्वालिटी के साथ। जब से प्रधानमंत्री का आवास योजना चल रहा है कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको आवास मिला है, ऐसे में क्या ग्रीन रियल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो लगता है आपको कि वैसे लोगों तक भी अपनी पहुंच बनाएगी? हाँ है ना, नया वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें मेरे यहाँ जैसे उसमें क्या रहता है कि 1.5 बीघा से ऊपर का कुछ लैंड रहता है तो उसमें कुछ देना रहता है तो मेरे यहाँ उस प्रोजेक्ट में मिलेगा। प्राइस बता दीजिए कि क्या कुछ प्राइस है और रजिस्ट्रेशन या आप तक कैसे पहुंचे अगर वो कोई लिंक हो, कोई मेल हो, कोई नंबर हो, मोबाइल नंबर? हाँ जी, आपसे संपर्क, जैसे जो दर्शक देख रहे हैं वो आप तक कांटेक्ट कैसे करें? मेरा ऑफिस है जो कॉरपोरेट ऑफिस है, एड्रेस दिया हुआ है वैसे बिंदेश्वरी चंद्रा प्लाजा बिल्डिंग नेम है, इनकम टैक्स से मेडिकाना के ऊपर में एसके नगर, उसमें सेकंड फ्लोर पे रियल ग्रीन का ऑफिस है, वहाँ पे भी आके आप मिल सकते हैं जिनको अगर नीड हो तो। वो आपसे संपर्क करना चाहिए, वेबसाइट है रियल ग्रीन का, गूगल पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, बाकी एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन है जैसे 99 मैजिक ब्रिक्स हर जगह मिल जाएगा, बाकी फेसबुक पेज या जो भी आप लोगों का तो है ही उस पर मिल जाएगा। देखिए हम यहाँ पहुँचे थे इस स्टॉल पर ये जानने के लिए कि आगामी इनके प्रोजेक्ट क्या कुछ हैं, क्या ये जो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं वो कमर्शियल तो हैं ही, इसके साथ ही ये भी सवाल था कि क्या अफोर्डेबल होंगे क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो उनके सपनों का घर लेना उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ता है, ज़िंदगी बीत जाती है। ऐसे में आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हम तक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।